एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसका परिवार गांव में खेती से जीवन यापन करता था, लेकिन कई सालों से उसे अच्छी फसल मिल नहीं रही थी। इस कारण से उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही खराब हो चुकी थी। राम हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसकी फसल अच्छी हो जाए और वह अपने परिवार को सही ढंग से पालन पोषण कर सके। एक दिन राम ने ईश्वर से कहा, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं, मेरी फसल बर्बाद हो रही, आप कृपया मेरी मदद करें। ईश्वर ने राम की प्रार्थना सुनी और प्रकट होकर कहा, राम, मैं तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी फसल को हानि से बचाने के लिए तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा। राम बहुत खुश हुआ और उसने ईश्वर का धन्यवाद किया। तुम्हें अब फसल के लिए जो भी मौसम चाहिए वह तुम मुझसे कह सकते हो, मैं वैसा ही मौसम प्रदान करूंगा। राम ने सोचा, यह तो बहुत अच्छा हुआ, अब उसे केवल वो मौसम मिलेगा जो उसकी फसल के लिए अच्छा होगा। उसने ईश्वर से कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आज धूप हो। ईश्वर ने तुरंत धूप कर दी। अगले दिन राम ने कहा, आज बारिश होनी चाहिए, और बारिश हो गई। इसी तरह राम जो मांगता ईश्वर उसे तुरंत प्रदान कर देते। साल के अंत में जब फसल काटने का समय आया तो राम बहुत ही आश्चर्य हुआ। फसल बहुत ही कमजोर और बंजर थी। राम बहुत दुखी हुआ और फिर से ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर प्रकट हुए और राम से कहा, तुमने जो चाहा मैंने वो दिया, लेकिन तुमने यही नहीं समझा कि जीवन में केवल सुख ही नहीं चाहिए, फसल के लिए तूफान मुश्किलें भी आवश्यक है जो पौधे को मजबूत बनाती है। बिना संघर्ष और कठिनाई के जीवन अधूरा है। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि जीवन में सुख दुख अच्छे बुरे समय का आना जाना आवश्यक है। तभी व्यक्ति मजबूत बनता है और जीवन की सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। दोस्तों, हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयों का और संघर्ष का आना आवश्यक है। सुख और आराम से भरा जीवन हमें मजबूत नहीं बनाता, बल्कि मुश्किल समय और चुनौतियां हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। बिना संघर्ष के व्यक्ति की क्षमताएं और उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते। इसीलिए जीवन में आने वाली कठिनाइयों और सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीख लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए।